दूसरा टॉपिक है सीबीएसई का जो पेपर लीक का मामला सामने आया है। किसी हद तक अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार, सीबीएसई और दिल्ली पुलिस की ये नाकामी रही है कि पेपर लीक को वो रोक नहीं पाए हैं और पेनलाइज और परेशानी और जो ट्रॉमा है वो बच्चों को हो रहा है। जिन बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, जो आगे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है, उनको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, अधर में लटक गए। मैं खुद पेरेंट हूँ और अधर में लटक गए हैं बच्चे, किस तरीके से एग्जाम्स होंगे, बहुत डिप्रेसिंग ये हो गया है। तो क्यों ये सजा बच्चों को दी जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैथ्स का पेपर जो टेंथ का लीक हुआ है उसका तो पता चला कि पेपर होने से पहले पता चल गया था कि वो लीक हो गया, तो पेपर रोका क्यों नहीं गया? अगर उसी वक्त रोका जा सकता था तो बात थोड़ी डिफरेंट होती, पहले पेपर होने दिया और उसके बाद में अब कह रहे हैं कि वो कैंसिल होगा। तो ये तो टोटल मिसमैनेजमेंट है, किसी तरीके से जिम्मेदारी से भागने की बात है, जिम्मेदारी से बचने की बात है। ये जो कंप्लेंट्स हैं इस साल क्यों इतनी ज़्यादा आ रही हैं सडनली, ये क्या वजह है कि इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं इस बार, और क्यों इतनी लापरवाही हुई है, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पेपर लीक हुआ है, बहुत बड़ी बात है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, ये सच है, पर जिम्मेदारी कौन लेगा? हेड्स आर सपोज टू रोल इन दिस, इफ दे आर नॉट हैपनिंग, मतलब सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। इसके अलावा और कोई इससे निष्कर्ष नहीं निकलता कि अगर किसी के ऊपर अभी तक गाज नहीं गिरी, इतना बड़ा काम होने के बाद, मतलब सबकी इसमें सब लोग सम्मिलित थे, सबकी जानकारी में हुआ है, या जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें बचाया जा रहा है, इसका जवाब चाहिए। और बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खेला गया, इसका जवाब चाहिए। थैंक यू।